ये जो अभी स्थान देख रहे हैं तखत श्री हरमंदिर जी पटना साहब का विशाल दिव्य जो इमारत देख रहे हैं, ये सालस राज जौहरी की हवेली हुआ करती थी। उस हवेली समुंद शाह सुल्तान गिरह से इतिहास हर कौम की विरासत और हर कौम की जिंदगी में आप तक श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब जाते ही शांति और सुकून से भर जाते हैं, जहां आसमान छूता गुंबद और खूबसूरती इतनी कि आपकी आंखें दंग रह जाएंगी। बहुत इज्जत मान मिले, बहुत सरकार करते हैं ये सारे, बहुत बढ़िया लगा जी आगे। हमको तो पृथ्वी में कोई देश अच्छा नहीं लगता पटना सभा, सबसे अच्छा देश पटना शहर गुरु गोविंद सिंह महाराज का। 1,25,000 से एक लड़ा होता है नाम गोविंद सिंह को। हाँ, पृथ्वी के ऊपर कोई ऐसा गुरु नहीं जो गुरु यहाँ है। करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनि सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। हुस्न बहार हो तुम हर शायर का कलाम तुम्हीं पर, मगर दिल हारो तो यूं हारो जो ना हारो अंजाम बन जाओ। प्यारी साथ संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आप तखत श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब का दर्शन करने आए हैं। ये सिख धर्म में 5 तख्तों में दूसरा स्थान इसका है। इतिहास के जानकार बहुत से लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद चले जाते हैं, लेकिन कई लोगों को इतनी जानकारी नहीं होती है कि आखिर ये तखत श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब की स्थापना कैसे हुई और इसकी स्थापना किन्होंने की। तो मैं इसको बता रहा हूँ, ये तखत हरिमंदिर जी पटना साहब की जो स्थापना है इसका प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने किया था। तो बहुत से लोग ऐसा पूछते हैं हमसे, 9 गुरु तो पंजाब में हुए तो ये 10वां कैसे पटना में हुए। तो इसके पीछे एक विचित्र कहानी है, वो कहानी आप सुन लेंगे तो सारा समझ में आ जाएगा। धरती तन होई तन होए अंबर सबे दुख मुके सच्चे पातशाह जी हथ बन देया मथा टेक देया तुसी आन टुके सच्चे पातशाह जी हेठा चानन दा दरिया वगे उत्तों मेहर दा बरसे मेघ बाबा जिन्ना थावां ते पाए। ना कोई हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड पर आ। सभी लोग सुनकर हैरान हो गए। इन्होंने जाकर के घर में कहा, अब मुझे घर की गृहस्थी से कुछ लेना देना नहीं है, अब मैं संसार को उद्धार करने के लिए और कलयुगी जीवों को ज्ञान देने के लिए मैं अब देश भ्रमण करूँगा। तो इन्होंने पंजाब से देश भ्रमण करना शुरू किया। गुरु नानक देव जी का तो जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में और ये 1501 ईस्वी में 31 साल की उम्र में इन्होंने देशाटन करना शुरू किया। पंजाब से चल करके आए हरिद्वार, हरिद्वार से मथुरा वृंदावन इलाहाबाद होते हुए प्रयागराज जिसको कहते हैं होते हुए ये पटना पधारे। पटना में सबसे पहले ये दिसंबरपुर एक जगह है
जिसको आजकल गाय घाट कहते हैं, तो वहाँ एक संत रहते थे बाबा जैतामल जी। जैतामल जी के कुटिया में आकर के गुरु नानक देव जी विराजे, तो वहाँ उन्होंने एक कौतुक किया जैताराम जी के यहाँ। भाई मर्दाना जो उनके साथ थे सेवक, उनको एक बहुत बहुमूल्य हीरा दे करके बोले जाओ इसको बेच करके राशन पानी ले आओ। मर्दाना घूमते घूमते चले आए सोनार टोली के पास। सोनार टोली सोनारों की एक बहुत मशहूर बस्ती थी। वहाँ एक सेवक ने देख करके करे ये तो बहुत बहुमूल्य हीरा है, इसको पटना में खरीदने वाला कोई नहीं है, केवल एक ही व्यक्ति है जो हीरो जौहरी का व्यापारी है, सालस राय जौहरी, उसके पास जाओ वो खरीदेगा। ये जो अभी स्थान देख रहे हैं तखत श्री हरमंदिर जी पटना साहब का विशाल दिव्य जो इमारत देख रहे हैं, ये सालस राय जौहरी की हवेली हुआ करती थी। उस हवेली में आए भाई मर्दाना और आकर सालस राय को हीरा दिखलाए। हीरा देखते ही सालस राय पहचान गया, अरे ये तो बहुमूल्य हीरा है, इसकी कीमत तो हमारे खजाने में भी नहीं है, इसको मैं क्या कीमत दूंगा। उसने दर्शन करके हीरे को और 101 रुपया दर्शनी भी दे करके सालस राय जौहरी ने कहा कि जाइए ये जिसका हीरा है उसे हमारे तरफ से 101 रुपया और ये हीरा दोनों दे दीजिए। सालस राय जौहरी के हवेली में गुरु नानक देव जी 4 महीना विश्राम किए, सिख धर्म का प्रचार किए प्रसार किए। उनके उपदेशों से यहाँ के बहुत से लोग नगर निवासी बहुत प्रभावित हुए, उनके उपदेशों से प्रभावित होकर गुरु नानक देव जी के शिष्य बन गए। जब शिष्य बन गए तो गुरु नानक देव जी ने अब आगे के प्रस्थान करने का सोचा, धर्मशाला का निर्माण किए गुरु नानक देव जी 1506 ईस्वी में गुरु नानक देव जी हवेली में एक धर्मशाला बना करके गुरु नानक देव जी आगे प्रस्थान कर गए। ये तो गुरु नानक देव जी की यहाँ की कहानी हुई जो 1506 ईस्वी की है। अगर ये इश्क है तो इश्क से क्या गलत हो क्या उसे? तरती तन होई तन होए अंबर सबे दुख मुके सच्चे पातशाह जी हथ बन दया मथा टेक दया तुसी आन टुके सच्चे पातशाह जी हेठा चानन दा दरिया बगे उत्तों मेहर दा बरसे मेघ बाबा जिन्ना थावां ते पाए पैर तुसी उत्थे अज वी वरते देग बाबा। पार नानक सब थाए कुंकार नानक आर नानक पार नानक सब थाए कुंकार नानक तू नूर दा फुटदा चश्माए तू रोशनियां दी रेखाए एक तेरा ही दरबार सच्चा बाकी सब परम भुलेखाए तेरा शब्द सुना वैराग होवे तन मन दे बदलन वेग बाबा। पार नानक पार नानक सब थाए ओंकार नानक आर नानक पार नानक सब थाए क्यों कार नानक। लोगों को जो गुरु नानक देव जी के शिष्य बने थे उनके उपदेशों से प्रभावित होकर के जब उन लोगों को पता चला जिस गुरु के हम शिष्य बने हैं उन्हीं के गद्दी पर नौवें गुरु आए हुए हैं गाय घाट में, तो ये लोग जो हैं एक सोने की पालकी बना करके और परिवार को लाने के लिए गाय घाट गए। उस समय में माता गुजरी जी जो थी
गुरु तेग बहादुर जी की धर्म पत्नी और गुरु गोविंद सिंह जी की धर्म माता वो गर्भवती थी, इसलिए गुरु तेग बहादुर जी आगे यात्रा में नहीं ले गए, यहीं छोड़ गए। और कुछ गुरु की ऐसी कृपा थी जो सत्य होना था, वो तो है जो इतिहास था वो तो सत्य होना था। गुरु तेग बहादुर जी परिवार को जो छोड़े थे गाय घाट में, उनको है जे सालसराय जौहरी वाले के लोग ले आए यहाँ, जहाँ पर अभी तखत श्री हरिमंदर जी का भव्य विशाल मंदिर बना हुआ है, यहाँ ले आए। यहाँ ला करके माता कुकरी जी को बहुत सेवा सत्कार किए, शुभ समय पा करके अकाल पुरुष के हुकुम से, परमपिता परमेश्वर के हुकुम से गुरु गोविंद सिंह जी का यहाँ अवतार हुआ, जिसके बारे में स्वयं है जो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, तही प्रकाश हमारा भयो पटना शहर विखे भव भयो। गुरु गोविंद सिंह जी जन्म लेकर के पटना शहर में 7 बरस तक रहे, 7 साल तक उन्होंने अनेकों कौतुक किए, बचपन के बाल लीला जिसको कहते हैं, उसी बाल लीला में एक बाल लीला गुरुद्वारा है, एक कंगन घाट गुरुद्वारा है, एक गुरु का बाग है, एक गाय घाट है, एक दानापुर हांडी शहर में गुरुद्वारा है। इस तरह गुरु गोविंद सिंह जी का इतिहास पटना में 1666 में जन्म लेने के बाद शुरू हुआ। तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में 1666 में हुआ, 22 दिसंबर। आज उस गुरुपर्व को मनाते हैं लोग, यहाँ दूर दूर से देश विदेश से हजारों लोग प्रतिदिन आते हैं, दर्शन करते हैं और गुरु का आशीर्वाद लेते हैं। तेरे बंके लोयन दंत रसाला, सोहने नक जिन लमड़े वाला, कंचन काया सोने की टाला, तेरे रूप जिहार कोई रूप नहीं, तेरी दीद जिहा प्रसाद नहीं, सरबत दा पला सिखाया त।